गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? होपफुली आपका दिन अच्छा रहा होगा। दोस्तों, आज कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी का कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। 9:07 पर करीब करीब मैंने टेलीग्राम पर रोज अपडेट देता हूँ कि जो मेरा एक पर्सनल व्यू होता है मार्केट के लिए। तो मुझे पता था कि जो ये निफ्टी है वो इस तरीके से चल रहा था, एक पैटर्न में चल रहा था, और ये एक स्पेस बचा हुआ था थोड़ा सा। अगर चार्ट में भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक स्पेस बचा हुआ था। और उस वक्त पे क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी ना एक अच्छा मूव दे रहा था और एक अच्छे लेवल को भी टच कर रहा था। बैंक निफ्टी के लिए भी व्यू मेरा जो था थोड़ा सा बेयरिश था। अब दोनों जब मार्केट में ये एक बुलिश मूव आया था तो मैंने अपना जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे मैं शॉर्ट जाऊंगा। और मेरा व्यू था कि इफ वी लुक एट द बैंक निफ्टी, वी हैव सम चांसेस ऑफ सेलिंग एट स्टार्ट। इट लुक्स ए डिप इन डिप इज कॉमन इन बोथ इंडेक्स विद माय एनालिसिस। एज पर माय एनालिसिस मैंने ये लिखा था कि एक डिप ड्यू है, दोनों में डिप ड्यू है, और ये डिप कितना होना चाहिए, करीब करीब ये डिप इतना होना चाहिए। और आपने देखा कि लेटर हाफ में ये मार्केट यहीं से रिवर्स भी हुआ है। अब ये नहीं कहता कि मेरा एनालिसिस सही होगा या मैं हमेशा सही होगा, पर मोस्टली हम सब अपना एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट हो या लॉस हो, एज ए ट्रेडर हमें एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरा जो एनालिसिस है वो हमेशा परफेक्ट रहेगा। मैं गलत भी हूँ, सही भी हूँ, जो भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है। करीब 1,000 लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, मैं ओपनली शेयर करता हूँ कोई भी चीज। खैर, छोड़िए ये सब बातें छोड़िए, अब हम चलते हैं कि ये ट्रेड्स के लॉजिक क्या थे और कुछ चीजें और भी देखेंगे कि हम ट्रेड लेने में कहाँ कहाँ हेजिटेशन कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है ट्रेडिंग ट्रेड लेने से पहले, वो सब चीजें एक बार सोच देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। देखो, मैंने अपना व्यू बता दिया आप लोगों को, मार्केट कैसे चल रहा था और क्या कर रहा था। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है ना, ये लेवल टूटते ही मैंने यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे सेल पोजिशन लेनी है, और इस लेवल के टूटने का इंतजार कर रहा था और मैंने पूरा वेट नहीं किया नीचे तक। लेकिन आपको पता होगा, कोई लेवल आया है, अगर मार्केट यहां तक आया, इसको बाई भी बनाना होगा ना, इसको बाई के लिए भी जाना होगा, तो एक पैटर्न ऐसा बना के यहां पर सेलर को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा, और उतनी देर में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये एक व्यू था, और करीब करीब इस लेवल पे मार्केट मार्केट में क्या है, हमने एक प्रॉफिट बुक किया था। मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि कौन इसमें ट्रेड कर रहा है कौन नहीं, पर मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं अभी ये सब सीख रहे हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका कन्विक्शन आएगा और वो लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं उनको जो लाइव अपडेट देता हूँ उसके लिए ट्रेन कर रहा हूँ, और मेरा मेरा फर्ज बनता है। देखो, आप ऐसी ट्रेनिंग लीजिए, कहीं भी ट्रेनिंग लीजिए, जहां पे मैं उनको हर चार्ट, यहाँ का चार्ट, यहाँ का चार्ट, यहाँ बन रहा होगा फिर क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ बन रहा होगा तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी, दिन भर उनसे चार्ट शेयर करता हूँ। और आपको भी यही काम करना है। आपको एक और ट्रिक बताता हूँ आज, ये जब कैंडल चल रही होती है, अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ही लग रहा है कि यार मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इन सब चीजों से, तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और किसी ही चीज में पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करने के बाद इस जो चार्ट को, जो डेट चार्ट है, जो इस पे अपने एनालिसिस कीजिए। उस वक्त जब ये टिक नहीं चल रहे होंगे मार्केट में, तो आप एक ज्यादा लॉजिकल पर्सन होंगे मार्केट को जज करने के लिए। खैर, ये तो हमारा था पहला ट्रेड। उसके बाद दूसरा ट्रेड क्या था, दूसरा ट्रेड मैंने आज ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट ने लिया है मैं वो ट्रेड आपको शेयर करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड लिया है। देखो दोस्तों, अब ये जो यहाँ पे यहां से सेलिंग आई है ना, ये सेलिंग हुई है यहाँ पे।
अब इस सेलिंग का मतलब यहाँ पे अच्छे खासे सेलर एक्टिवेट हुए हैं इस जोन में, राइट। इस जोन में सेलर एक्टिवेट हुए हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन का मतलब हमेशा यहाँ पे लोग सेलिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड है, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि एक ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये ब्रेकआउट हुआ भी, और उस वक्त निफ्टी अच्छा एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। उसके बाद आप देख रहे हो, आप करीब करीब इस पॉइंट पर आ जाओ, आप इस पॉइंट पर आ जाओ। अगर मुझे ये लग रहा था कि एक बार अगर फिर से ये सेलर को ट्रैप करता है, तो इस पोजिशन से एक मार्केट में एक हमारी बाइंग पोजीशन बन सकती है। आई एम वेरी प्राउड कि मतलब मेरे ग्रुप में यहाँ के आसपास इस लेवल पे किसी ने ट्रेड पंच किया था, और एटलीस्ट उनका टारगेट इतना था। हालांकि उन्होंने अपना टारगेट करीब करीब इससे ऊपर रखा था, लेकिन दोबारा क्योंकि इतना डीके था, उन्होंने रिगेन किया ये पोजीशन और उन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन बना ली। अब मुझे ये साबित करने के लिए नहीं किया है कि वीडियो बनाया कि हम मार्केट में क्या क्या किया था और मैं सही हुआ, ये साबित करने। रोज का है मार्केट, कभी आपको लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, चीजें यही डिस्कशन करना है मुझे। जब आप लोग ट्रेड लेते हो ना, अब जब ट्रेड लेते हो, एक बार डिसाइड कर लिया कि यार आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिल गया, तो आपको एटलीस्ट डिसाइड करना है कि भाई यहां तक अब रुकेंगे हम। या तो आपको पहले पॉइंट पर ही डिसाइड नहीं करना है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, राइट। आपको या तो डिसाइड कर लेना है कि भाई यहाँ मार्केट क्या है, अगर यहाँ से मार्केट आपका व्यू बन रहा है कि ऊपर जाएगा, तो आपको फिर रुकना नहीं है। फिर आप एटलीस्ट जो रिसेंट हाई मिल रहा है आपको, उस पे आपको रुकना है। अब देखिएगा, आप इसको फिबोनाची लगाओगे ना, तो पहली बार मार्केट ने इसी पॉइंट से रिटर्न लिया है, करीब करीब 6 पोजिशन। अब मार्केट मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो जो हम भी स्टॉप लॉस सेंटिंग में सीखते हैं, तो आप लोग को हर हमेशा ये क्यों लगता है कि ये वाला जो सेलर है, मान लो जिसने भी मॉर्निंग में सेल किया होगा, कई लोगों मेरी क्वेरीज आती हैं कि सर यहाँ के सेलर का स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा, तो ये सेलर बेवकूफ थोड़ी ना है कि यहाँ पे बैठा रहेगा। सेलर्स को जब आप ही खुद सोचिए, जब आप यहाँ पे पोजीशन लेने जाओगे, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में क्या रहेगा, आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि ये जैसे ये सेलर का प्रॉफिट कम होने लगेगा, तो ये मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। तो मार्केट ऊपर कैसे गया, मार्केट गया ऊपर इस वजह से, मार्केट ने क्या किया, जो यहां से एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे इस लेवल के पास, बाइंग वापस एक ब्रेकआउट पे बाइंग कर रहे थे, कुछ यहां पर ट्रैप हुए, और कुछ लोगों ने एक मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए या इस फिबोनाची को देखते हुए, ये देखो लोअर लो का एक पैटर्न बना रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे ही तो सोचते हैं हम लोग। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा ट्रैप बनाया, एक अच्छा बायर मतलब कि इसमें सेलर्स को एक्टिवेट किया। जब सेलर एक्टिवेट हो गए, तो फिर यहाँ पे भी मार्केट में कुछ सेलिंग स्टॉप लॉसेज मिले हैं मार्केट को, और ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर गया, तब मार्केट में अच्छी मूव मिली। देखो उसके बाद क्या हुआ, देखो हमको जो भी पोजीशन बनानी है, यहाँ भी हमको पोजीशन बनानी है, तो स्मार्टली देखो यहां तक मार्केट आया, तो एक एक झटका मार्केट नीचे को देगा, तब तक आपको 20-25 पॉइंट इसी झटके में मिल चुके होंगे। तो एक स्मार्टनेस दिखानी है आपको एज ए ट्रेडर, और उसके बाद आपको जो भी ट्रेड लेना है उस पर स्टिक रहना है, आप देर नहीं हो सकते। देखो आप अगर आपको अगर व्यू आपको ट्रेड कर रहा है, तो हर कैंडल पे कि यहाँ पे हैमर बनेगा, तब मार्केट को जाना होगा या नीचे जाना होगा, न वो हैमर को पूछने वाला न कोई। सेंटिमेंट क्या है मार्केट में, मार्केट कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो तो यहाँ से रिजेक्शन आया है, यहाँ सेलिंग हुई है, फिर मार्केट ऊपर गया, एक अच्छी मूव आई है। अब ऑलरेडी आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि निफ्टी जो है ना काफी अच्छा बाउंस कर चुका था। अगर मैं दिखाऊंगा तो जहां से मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन की थी, मार्केट वो उसी पॉइंट से ऊपर गया भी था, राइट। मैं मुझे ये लग रहा था कि मार्केट मार्केट का जो ये स्पेस है ये फिल होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो हमारी जो जो प्रेडिक्शन थी वो लगभग लगभग हमें
यहाँ इस लेवल पे मार्केट वापस गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करता हूं। अब यहां पे देखो, कई लोग यहां पे कितनी बार कई लोग को समझाया गया है कि जो इतने बड़े मूव को, यानी आपका डे हाई है, मार्केट यहां से रिकवर करता हुआ यहां तक आ रहा है, तो जब भी एक वन वन गो में, यानी आप कहोगे डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चांस होता है कि सस्टेन नहीं करता। अब इसने यहाँ पे सस्टेन किया है थोड़ा बहुत, अब इसके बाद आप सोच सकते थे, और आप देख सकते हो इस मोमेंटम में एज ए बायर जो है ना, जीतना बहुत मुश्किल है। मैं अपने जो ट्रेडर्स हैं ग्रुप में उनको क्या सिखा रहा था कि जब भी आप ट्रेड लो तो एटलीस्ट आप देखो कि डिप आ रहा है तो बाय करो, डिप आ रहा है तो बाय करो। रीजन क्या था डिप का बाय के साथ, क्योंकि मार्केट गिरना नहीं चाहता था। आप देखो यहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर गिरा है, फिर होल्ड किया। देखो मार्केट में कभी भी सेलिंग स्लो नहीं होगी, जब भी होगी स्लो बहुत तेज होगी, और उस वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, आपको मौका भी नहीं देगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग बहुत तेज होती है। तो अगर इस तरह से मार्केट होल्ड कर रहा है तो हमारे चांसेस क्या है कि हम डिप पे करें। अब आप हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो लूज करोगे। आप देखो ना इस केस में आप इतनी बार ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उतनी बार मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो आप लॉजिक के साथ ट्रेड करो। अब मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, आप मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आप किसी कैंडलस्टिक पे कर रहे होगे, किसी सबसे पहले तो आपके चार्टों में आपको इंडिकेटर्स भी लगे होंगे, उसमें सीपीआर भी लगा होगा, उसमें वीवैप भी लगा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें, आप खुद में ही मतलब उलझ जाते हो। ये सब चीजें मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको जब भी ट्रेड करो ना, एक शांत माहौल होना चाहिए, आपको एक विजन होना चाहिए कि मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मुझे ये अचीव करना है। मार्केट में आपका पर्सनल व्यू होना चाहिए, आपको दिमाग को सही से सोचने के लिए खाली रखना है। अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दोगे ना इस चार्ट पे, बहुत सारे इंडिकेटर लगा दोगे, बहुत तरीके से सबकी स्ट्रेटजी डाल के इसमें सोचने लगोगे, तो आपके आपके दिमाग के लिए जो प्रोडक्टिव चीजें हैं ना, उसको सोचने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। तो उसके बाद आपका एफर्ट मायने रखता है। कि देखो देखो दोस्तों, मैं कोई शिक्षा विक्षा नहीं देना चाहता, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि आप एफर्ट लगा रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, आप सिर्फ बीच में पता चला आपको समय मिला आप ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपके पास समय है, प्रॉपर मार्केट को वॉच करने के लिए पूरा दिन है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर की तरह सोच सकते हो। आप बीच में आ रहे हो टाइम पास के लिए, एक वो यहां से मार्केट जाना चाहिए चला जाएगा, ये सोच के आप दिन भर जो मार्केट के कैंडल्स को फील कर रहे हो ना, अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो हम रेंडम ट्रेड्स बीच में लेके, इम्पल्सिव ट्रेड बीच में लेके अपनी धड़कने तो बढ़ा ही रहे हैं, और साथ में लॉसेज होते हैं तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। एक हमारा जो प्लान होता है कि भाई हमें महीने में कुछ अचीव करना है, वीकली कुछ अचीव करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक्चुअली हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको फैसले लेने हैं, कोई कोई भी फैसले लेने हैं, तो हम अपने साथ तो कम से कम ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पूरा दिन मार्केट देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं, कुछ एडवांस चीजें देखनी पड़ेगी। हमारी आदत क्या होती है कि हम किसी का भी पैटर्न पकड़ेंगे कि हाँ यार ये तो बुले ये वाला पैटर्न काम करता है, तो आप उसको ट्रेड करना शुरू कर दे, तो आप अपना वाला भूल जाते हो। तो डेविएशन मतलब डेविएट नहीं होना है आपको, इतना कॉन्सेप्ट। मैं अपने स्टूडेंट की बात बता दूं, मैं मेंशन कर रहा हूं उनको, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, सिर्फ उन्होंने बीबैप और 20 EMA को एक 5 मिनट में ट्रेड करना शुरू किया है। अब मैं आपको दिखा दूं, कंसिस्टेंटली वो करीब करीब 80 से 100 पॉइंट्स दिन का टारगेट बनाती है, ठीक है। अगर उनका लॉस भी होता है तो करीब 1500 का, अब उन्होंने ट्रेड की फ्रिक्वेंसी जैसे बढ़ा दी है, तो वो 100 100 का उनका हो सकता है। मोस्टली क्या कर रहा है, उन्होंने डिसिप्लिन बनाया, और उस डिसिप्लिन में वो क्या कर रहे हैं कि एक ट्रेड लेना है 1500 गया, अब 3000 के आसपास या 2500 आ गया तो ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए एक रूल्स बनाए हैं, अपने लिए रूल सेट किए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि
वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अपने आप को महीने में या वीकली कुछ अर्न करना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना चाहते हैं। 1500 से कुछ नहीं होना है, लेकिन जो इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीजें कैसे काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर, देखो चीजें इजी नहीं है। जब मैंने ओपन इंटरेस्ट सीखा था, करीब करीब यूट्यूब का एक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने ओपन इंटरेस्ट सीखने के लिए लगाया। मैंने तब ये जो सीरीज आपके लिए बनाई है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, तब उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है। इसी तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग भी कंप्लीटली साइकोलॉजिकल गेम है। आप अकेले इसकी बदौलत आप ये चाहोगे कि आप ट्रेडिंग कर लोगे या आपको सक्सेस मिल जाएगी, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप किसी के भी चार्ट देख रहे हो, चार्ट बने हुए अच्छे लगते हैं, पर जब आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको जब खुद सोचना पड़ता है, तो असली चैलेंज वो है। ठीक है, तो हमारे कुछ ट्रेडर्स हैं, उनके भी कुछ क्वेरीज हैं, आज मैं हल्का सा उनको मेंशन कर देता हूं, ताकि ये डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। पहला पहला सवाल है कि अनदर मैम बीबेप, जो बीबेप यूज करते हैं, 20 MA यूज करते हैं, तो वो लिखते हैं कि माय वीकनेस वाज टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, नाउ दैट इज इन कंट्रोल, एज आई मेंशन अर्लियर, EMA एंड बीबेप विद द प्राइस एक्शन, आई एम एबल टू टेक ए ट्रेड एंड गेटिंग प्रॉफिट्स, राइट। लिखा है आई कांट होल्ड ऑन टू माई प्रॉफिट एज प्राइस मूविंग एंड वंस इट पुल बैक कम आई एग्जिटेड फ्रॉम माई ट्रेड एज पॉसिबल, कांट एबल टू राइड ए ट्रेंड फॉर द लॉन्गर पीरियड। दोस्तों ये चीजें वो कह रहे हैं कि उनको ट्रेड तो ले लेते हैं, एंट्री भी मिल जाती है, होल्ड नहीं करते, राइट। ये सबके साथ है, क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला मार्केट में ना किसी पर्पस से मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारे एक कैंडल की वजह से नहीं जा रहा है कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जाएगा, अगर नीचे आना है तो जाएगा आएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपको अपना सेटअप मिल गया, तो आप एक प्रॉपर तरीके से मार्केट पे स्टिक रहना है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आपकी एंट्री में दिक्कत थी। अगर मान लो आप, कई लोगों ने यहां पे एंट्री लिया, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और कई लोगों ने लिया भी है यहां पे, तो क्या है ये, क्या है एक ऑप्टिमिस्टिक का एंट्री है। किसी ने यहां एंट्री लिया है, वो अपने जो ट्रेड्स को ना बेटर मैनेज कर सकता है। यहां से जब उसको एंट्री मिली होगी, तो यहां पे जब मार्केट ये एक साइडवेज में गया है ना थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे वो अपने कंट्रोल कर सकता है इमोशंस को। अदरवाइज उसे लगेगा कि मेरा प्रॉफिट तो चला जाएगा, मुझे प्रॉफिट चला जाएगा, वो डर है, वो फेयर है। वो फेयर किस वजह से आता है, क्योंकि आप ना, हम लोग किसके लिए तैयार रहते हैं? हम लोगों को बर्दाश्त है कि वो हमारे SL की तरफ आ जाए, हम उसे होल्ड कर सकते हैं, हमारे लिए ये तो पेशेंस बहुत है, लेकिन हमारे टारगेट की तरफ जाए, ये रुकने के लिए, ये इतना रुकने के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं है। तो ये पेशेंस खुद ही बनाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या है, आपको लॉस लेना नहीं है। आपका ही लोग क्या करते हैं कि मान लो उनको एंट्री मिल गई यहां से, उसके बाद क्या करते हैं, हल्का सा एक कैंडल नीचे आए एग्जिट कर देते हैं, और ये लोग ओवर ट्रेड करते हैं। अब दो तरीके के लोग होगा, एक तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, मतलब SL देना ही नहीं चाहते हैं, मार्केट को कम से कम 15-20 पॉइंट का, बैंक निफ्टी का 15-20 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। आपने सही जगह एंट्री ली है, 15-20 पॉइंट का अगर आप यहां से एंट्री बना रहे हो, तो आप दो ना मार्केट को कम से कम इतना समय दो कि 15-20 पॉइंट जाने दो। अगर मार्केट का में आपका व्यू प्रॉपरली होगा, तो ये रिजल्ट देगा, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट मार्केट में इजिली मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ, अगर देखो आप 15-20 पॉइंट का रिस्क लगा के अगर 40 रुपए अगर आपको 40 रुपीज, अगर 40 पॉइंट अगर मार्केट में नहीं मिलते, तो किस तरह का बिजनेस है ये फिर? अगर 15 और 20 पॉइंट लगा के आप 5 और 6 10 पॉइंट 15 पॉइंट निकल जाते हो, तो घाटे का तो सौदा है फिर। ऐसे सौदे से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा,
तीन चार ट्रेड में कुछ अच्छा कमाओगे, एक चौथे ट्रेड में जब पूरे पॉइंट आप दे दोगे तो फिर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए। फिर आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको इसी तरह से परेशान करती रहेगी। तो इसी तरह से फोमो ट्रेड, यार देखो मार्केट में ना दो चीजें बनी हुई है, एक चीज बहुत सिंपल से है मार्केट में, यहां का ब्रेकआउट हुआ तो ये फोमो का कोई रीजन नहीं है, आप इसको मार्केट को प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता है, पुल बैक में कभी फोमो नहीं होता है। आप मार्केट अगर जाता है किसी पर्पस से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट को जाना होगा ना वो जाएगा जाएगा, ठीक है जाएगा, लेकिन आप सोचो सुबह से शाम तक मार्केट में इतने चांसेज मिलते हैं, हम उन चांसेज में हमको फिल्टर आउट करने हैं दो चांसेज, दो या तीन चांसेज, अगर दो या तीन चांसेज भी मिल जाते हैं मार्केट में या एक ही मिल जाता है आप लोग को, तो मीन्स यार आप लोगों को क्या है ना, ये मतलब रूल बनाने पड़ेंगे। जब रूल नहीं बनाओगे कि आपको पता होना चाहिए यार मार्केट, जैसे ये देखो आप, अब आपको पता है अगर किसी को स्टॉप हंटिंग पता है, ऊपर ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, अब मार्केट में यहां ग्रीन कैंडल दिखाना शुरू करके ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, अब जिसे स्टॉप लॉस हंटिंग पता है, ऊपर की तरफ रिस्क, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेज नहीं है, मार्केट रिटर्न करेगा तो फोमो नहीं आएगा, राइट? तो यहां से मार्केट जैसे ब्रेकडाउन, एक किसी लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो बड़े लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो बड़े लेवल के ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट एकदम से क्या होता है, एकदम से गिर नहीं जाता, मार्केट ऐसे नहीं गिरने लगता है यार। अगर बड़े लेवल का डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है तो आप लोग को रूल पता है कि अगर ये डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है तो फिर उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट जरूर देगा, अगर सेल साइड भी जाने का मौका मिलेगा तो आपको एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ मिलेगा, और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है वापस इस एरिया में आ गया, तो ये भी आप, अब आप देखो आपको ये लगता होगा कि भाई यहां से मार्केट देखो, अब एक चीज और बताते हैं, यहां से मार्केट देखो आपने फिबोनाची खींचा, अगर आप फिबोनाची खींचते हैं तो आप इस पोजीशन इस जगह पे आपको लगता है कि यार इसके जो स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में अब खत्म हो गए, अब खत्म हो गए, यहां से शॉर्ट जाना चाहिए। आप निफ्टी की तरफ नजर डाल के देखो, क्या निफ्टी इतना इस लेवल तक, लाइक क्या निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है या वो पॉजिटिव है, तो आपको ये देखना है। और उसके बाद भी अगर ये जो लेवल था, यहां पे जो लेवल था जहां से ब्रेकडाउन दिया, उसने अगर ब्रेकडाउन दिया भी है तो ये देखो कि अब मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है, अब मार्केट को कैसे समझना है आपको, यहां से फिबोनाची लगाओ, यहां से करीब करीब 60%, यहाँ पे 60% से नीचे आप यहां से ट्रेंड लाइन खींच लो, हो सकता है मार्केट यहां से नीचे गिरे, ठीक है? हालांकि चार्ट बन गया ये बहुत आसान हो जाता है कहना, तो अगर मान लो यहाँ पे आपने ले भी लिया, आपने यहां से ले भी लिया, अब आपको लगता है कि यार मैं डायरेक्शन के लिए गलत हो गया हूं, लेकिन आप मौका तो दोगे, आप क्या रखोगे? अगर आप यहां से शॉर्ट होना चाह रहे हो, निफ्टी भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो मिनिमम आपका क्या टारगेट होना चाहिए, कुछ तो टारगेट होगा। तो लेकिन आप यहां पे क्या थे, बाई थे, फिर यहां पे क्या आपको लगा कि यहां से तो वापस जाना लग गया, अब यहां से आपने बाई कर दिया, और फिर यहां से क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा होल्ड करना शुरू किया, तो आपको लगा कि यार लग रहा है कि यही वाला व्यू सही था, अब ये वाले में आप अपन लोग ये वाले में बैठ जाते हैं, और मार्केट गया ऊपर। अब क्या है, अब कुछ लोगों ने वेट किया कि मार्केट कैसा, देखो यहां से यहां के बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ अच्छे ट्रेडर्स क्या होगा, उन्होंने वेट किया होगा, इतना बड़ा फॉल हुआ तो आप रिएक्शन देखो मार्केट का क्या रिएक्ट कर रहा है। आपने निफ्टी को देखा, अच्छा रिएक्शन दिया है उसने, फिर आपने देखा बैंक निफ्टी भी एक रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जा सकता है, एक अच्छा ट्रेडर सोचेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये जो फोमो है ना, फोमो मीनिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे बोलते हैं कि यार मैं तो छूट गया, लोगों ने कमा दिया, है ना? आपने ये देखा कि यार ये वाला इतना अच्छा मूव आया, ये भी नहीं ले पाया, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला मूव लूंगा, है ना? तो मार्केट में आप लोग अगर ऐसे रिवेंज लोगे मार्केट से, तो वो उससे फाइट करोगे बड़े लोगों से,
तो फिर जीतना मुश्किल है। ओवर ट्रेडिंग किया मैंने बता दिया, रीजन क्या है, आपको क्लियर विजन नहीं है मार्केट को, आपको दो ट्रेड ढूंढने हैं, तीन ट्रेड ढूंढने हैं, अच्छे ट्रेड ढूंढने हैं, राइट। और फिर उसके बाद कई आपने आप एसएल तो लगाते हो, मान लो मैंने कहा कि भाई 20 पॉइंट का मुझे एसएल लगाना है यहाँ पे, आप उसके बाद भी, क्योंकि आपका एसएल लगा हुआ रहता नहीं है सिस्टम पे, सिस्टम पे एसएल नहीं लगता, आपके माइंड पे एसएल लगता है और वो नीचे आता है, तो आपको हमेशा कहा ना मैंने कि प्रॉफिट के वक्त आपके पेशेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब लॉस की तरफ आता है तो आपका बहुत पेशेंस बढ़ जाता है। जहां आप 20 पॉइंट का लॉस लेने के बैठे थे, वहां 30 पॉइंट का भी लॉस आप बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, भले ही वो ऊपर न जाए। तो इस तरह का अगर जब तक सिस्टम पे एसएल नहीं लगाओगे तो यार क्या है, आप देखो, आप मान लो 30 पॉइंट का आपने एसएल, 15 पॉइंट का एसएल लगाया, 15 एसएल 3 बार दे दो, ठीक है, वो जायज है, लेकिन आप एक बार आपका व्यू इनवैलिड हो गया, आपको लगा लगता था कि या तो आपकी एंट्री सही नहीं थी, आप यहाँ पे अगर मान लो एंट्री कर रहे हो आप, फिर आप ये डिसाइड करो कि भाई आपका एसएल कितना बड़ा हो सकता है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, आप ये मत सोचो यार इस कैंडल पे मैं चढ़ जाऊंगा और इसी पे कर जाऊंगा, ये फोमोज एंट्री है, ठीक है, ये कैंडल वापस भी आ गए नीचे की तरफ। तो दोस्तों कुछ सवाल थे तो वो ग्रुप के सवाल थे, और मैं वीडियो को पब्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ नया सीखो आप लोग, और छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे काम करने के बाद आदमी बड़ा बनता है, और बड़े बनने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है, वो एफर्ट आपको लगाने हैं, टाइम पास नहीं समझना है इसको, क्योंकि जो मेहनत की कमाई जाती है तो वो टाइम पास से नहीं कमाई गई, वो मेहनत से कमाई गई है, तो इसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन करना है आपको। नहीं ट्रेडिंग का समय मिल रहा है मत कीजिए, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए। बाकी अच्छा लगा तो मैं वैसे बोलता नहीं, आपको अच्छा लगता है आप मेरे चैनल पर आते हो, देखते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, मैं जो भी आपको बताता हूँ वो एफर्ट अप्रिशिएट हो रहे हैं, अदरवाइज कोई बड़ा मेजर मेरा कोई मिशन नहीं है ये। थैंक यू वेरी मच।